बोलो बजरंगबली महाराज की जय हो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। नमस्कार, रवि पथ न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से आपको श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब उकलाना द्वारा मंचन की गई रामलीला की यादें ताज़ा करवाते हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब उकलाना के सदस्यों ने इस बार दशहरे के अवसर पर नगर में रामलीला का मंचन किया, जो कि बेहद ही सफल रहा था। रामलीला के मंचन से पहले क्लब के सदस्यों ने मन्नत मांगी थी कि रामलीला पूर्ण होने के बाद श्री बालाजी की ध्वजा सालासर धाम में चढ़ाई जाएगी और सवामनी भी लगाई जाएगी। आज क्लब सदस्यों ने प्रधान अशोक गर्ग के नेतृत्व में सालासर धाम जाने का कार्यक्रम बनाया, जिसकी पूरी कवरेज आज हमारे साथ रवि पथ न्यूज पर देखिए। रामलीला के कलाकारों ने बस में ही रामलीला के संवादों को किया पेश। इस खास कवरेज को हमारे कैमरे ने किया कैद। जब हनुमान जी पहली बार श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं तो उनके बीच में क्या बातचीत है, वो आप देख रहे हैं रवि पथ पर। इधर तुम्हारी युवा अवस्था, इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर वाणा है। जी हाँ, उधर पतीरी वाणा है। क्या कारण मेरने का असली कौन ठिकाना है। इधर जलाल अजब चेहरे पे, इधर जलाल अजब चेहरे पे, सूरत सकल सुहाना है। जी हाँ, शकल सुहाना है। इधर हवाइयां उड़ रही मुख पर किसका वेद जाना। उत्तम कुल और क्षत्रिय बन गए, उत्तम कुल और क्षत्रिय बन गए, लक्षण आप में सारे है। जी हाँ, लक्षण आप होत तपस्वी फिर शस्त्र क्यों धारे। क्या पूछो ए महाराज हम, क्या पूछो ए महाराज हम, प्रारब्ध के मारे हैं। जी हाँ, प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे, लेकिन अब तो अरसे से हाँ, लेकिन अब तो अरसे से हाँ, पे हजार जमाना है। जी हाँ, कर पे हजार जमाना है। पेपर पेपर बेघर बेघर ना कोई भार। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज के कार्यक्रम, हम सभी बालाजी ड्रामेटिक क्लब के सदस्य, सभी कलाकार, हम सभी जो बालाजी महाराज की ध्वजा जो हमारी बालाजी ड्रामेटिक क्लब में रामलीला खेली गई है, उसका शुभारंभ बालाजी महाराज की ध्वजा से हुआ था। उस ध्वजा की हमने नित्य पूजा की है और कारणवश कुछ लेट होने की वजह से हम ध्वजा को आज यहाँ बालाजी महाराज के चरणों में लेके आए हैं। उन बालाजी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी रामलीला बहुत अच्छे से खेली गई है, ताकि ये अगली बार भी, अगली साल भी इसी तरह से हम पुरजोर तैयारी करें और मन और भावनाओं से मतलब इस चीज़ का प्रदर्शन। आपने कौन सा किरदार इस बार रामलीला में निभाया था? मैंने इस बार बालाजी ड्रामेटिक क्लब में रामलीला जो खेली गई है उसमें विभीषण का किरदार निभाया था। आज क्या कार्यक्रम रहा, उसके बारे में बताइए। आज हम श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब उकलाना मंडी के करीबन 25 सदस्य है और अपने सालासर धाम पे बाबा की ध्वजा चढ़ाने और सवामनी लगाने आए हैं। और उकलाना मंडी में लगभग 20 से 25 वर्षों बाद हमने श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब ने रामलीला का आयोजन किया था और बाबा से मन्नत मांगी थी कि हमारा सारा काम भगवान मतलब अपनी
इच्छा अनुसार मतलब सुख शांति से कर दे और सारा काम बढ़िया तरीके से निपटा दे, तो हम बाबा के दर्शन करने जाएंगे और बाबा की सभा मनी लगाएंगे और ध्वजारोहण चढ़ा के आएंगे। और ये सारा काम भगवान ने अपनी मतलब बड़ी कृपा, अच्छी कृपा हम पर रखी, हम बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाया और मतलब हम ये आयोजन करने में कामयाब रहे और बाबा की कृपा रही और हमारा आयोजन सफल रहा। इस उपलक्ष्य में हम आज बाबा के सभा मनी चढ़ाने आए और आगे भी बाबा की कृपा रही तो हम आते रहेंगे। पिंकी जी, आपने सीता माता का किरदार भी निभाया था, आज कैसा अनुभव रहा बताइए? बहुत अच्छा अनुभव रहा। वैसे अकेले तो परिवार के साथ तो काफ़ी दफ़ा कई जगह जाना होता है, लेकिन इस तरह सभी दोस्तों के साथ जो एक ये नया परिवार बना है बालाजी मित्र मंडल का, इतना इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है कि हम बता नहीं सकते। ये फीलिंग आ रही है कि भी आगे सभी प्रोग्राम इसी फैमिली के साथ ही बनाए, और अगर कभी भी फैमिली जैसे लेडीज भी साथ हो सकती है कोई बड़ी बस का जैसे प्रोग्राम बना के, और गेट फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा और इसी बहाने नया परिवार जो वो भी आपस में मिल लेंगे, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही शानदार अनुभव रहा। सभी नए दोस्तों से, भाइयों से, सबसे मिलना हो गया, बहुत अच्छा। आज बालाजी ड्रामेटिक क्लब का क्या कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। पहले तो बालाजी ड्रामेटिक क्लब की तरफ से सभी को राम राम। हमने रामलीला शुरू की उससे पहले बाबा से मन्नत मांगी थी, अगर हमारी रामलीला सही सफल हो जाए तो हम साला चला कर सोमणी रुकवी लगाएंगे और ध्वजा चलाएंगे, वो हमारा मनोकामना पूर्ण होगी और इसलिए हम यहाँ आए। सुनील जी, आपने बालाजी हनुमान का किरदार भी निभाया है और आज बालाजी धाम में आप आए हैं, तो कुछ बताइए इसके बारे में, कैसा अनुभव रहा आपका? सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम। और जैसा हमारे प्रधान जी ने बताया कि 20 से 25 सालों बाद रामलीला का आयोजन हुआ कुलाना मंडी में और बहुत ही अच्छे भाव से और बढ़िया संपन्न तरीके से रामलीला संपन्न हुई, सभी का सहयोग मिला और उसके पश्चात कुछ व्यस्तताओं के कारण हम तुरंत झंडा यहाँ पे चढ़ाने के लिए नहीं आ पाए, बीच में 15 दिनों की अंधेर लग गई, तब तक इसकी पूजा पाठ चलती रही और आज हम इस ध्वजा को स्वयं श्री बालाजी महाराज को सौंपने के लिए, चढ़ाने के लिए आए हैं और साथ में बालाजी महाराज की स्वामिनी लगाई गई है और आज हम बहुत खुश हैं। बालाजी महाराज ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, गर्भगृह के अंदर से हमारा प्रवेश द्वार हुआ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे दुख और दर्द मिटे सब मेरे, मिलन हुआ जो तेरा, जो तेरा। पता लगाया तूने सिया का जोर लगा कर सारा, पाताली लोक से आकर तूने हरि रावण को मारा। घट के अंतर्यामी मैं दास सदा से तुम्हारा, मैंने कुछ भी किया नहीं सब आशीर्वाद तुम्हारा। पापों का जब भार बढ़ा तो पृथ्वी थी अकुलाई, ब्रह्मा शंकर और पृथ्वी ने जाकर गई दुहाई, दिदुहाई दिदुहाई। पृथ्वी का भार हटाने को फिर मंद रूप ये दारा, मैंने कुछ भी किया नहीं सब आशीर्वाद तुम्हारा। प्यारे मेरे ताज सवारे, मैं हो गया तुम्हारा, पाताल लोक से आकर तूने आई रावण को मारा। दीनानाथ स्वामी, यहाँ ऐसे रहना पड़ता है जैसी लाखों की सेवा रहती है। भक्त विधि कर धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। तुम भाई आज हुए मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है, सब गुप्त रहस्य बतलाता हूँ, अब तक छिपा जो रखा है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान एक वानर हूँ, सीता सुधी लेने आया हूँ,
श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। हे भाई तुम धन्य हो जो रघुवेंद्र के अनुचर हो, हर रोज हर घड़ी सेवा में तत्पर उनकी तुम रहते हो। बहुत बढ़िया जी। क्या मुझ अधम दास को भी रखेंगे राघव साथ कभी, क्या मुझ अनाथ राक्षस के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ। ओ भगवान दया निधि है अपने को नित अपनाते हैं, जो जन उनकी शरणागत हो अपना बस उन्हें बनाते हैं। इसलिए मुनासिब ये होगा उनके ही हो जाओ भैया, अपना सब कुछ अर्पण करके विश्वासी हो जाओ भैया।